सर आज तीसरे चरण का मतदान है, भीड़ काफी कम है, किस तरह की अपील करना चाहेंगे? मैं सभी मतदाता भाइयों से अपील करता हूँ, आज 9 लोकसभा हमारे अपने प्रदेश के अंदर है, 9 ही लोकसभा क्षेत्र में, बैतूल, भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, राजगढ़, सभी क्षेत्रों में भारी मतदान की हम सबको मैं आप अपील करता हूँ और मान के चलता हूँ कि आप भारी मतदान करेंगे। मतदान ये हमारा सबका संवैधानिक अधिकार है और इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में निष्प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले समय सरकार चली है, भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाने के लिए हम और आप मिलकर के एक बार फिर मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप सभी मतदान करें। मैं आपसे अपील करता हूँ, मध्यप्रदेश शांति का टापू है, हमने सारे प्रबंध चाक चौबंद किए, अभी तक मेरी जानकारी में जो आया निर्वाचन बहुत शांतिपूर्वक सम्पन्न हो रहा है। जहाँ तक कांग्रेस के नेता ने कल जो प्रदेश में आकर बात कही है, ये वास्तव में चुनाव दो माँ के लड़कों के बीच का है, एक भारत माँ का सपूत श्रीमान नरेंद्र मोदी है और एक विदेशी माँ का सपूत, जिनके कारण से उनने अपने जीवन में न गरीबी देखी न कष्ट देखा और लगातार भ्रमित करते हुए आ रहा है। लगभग 60 साल से ज़्यादा तक उनके परिवार ने राज किया, लेकिन अभी भी वो डरा कर धमका कर संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, संविधान खतरे में है। 100 से ज़्यादा संविधान में संशोधन कर किसी ने किए तो नेहरू खानदान ने किए हैं। ऐसे में उनको माफ़ी मांगना चाहिए अपनी बात से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता जिस प्रकार से मोदी जी पर भरोसा करती है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। एक बार फिर आप भाजपा के सभी प्रत्याशियों को चुनिए, बहुत बहुत धन्यवाद।